जय। बख्तियार, ये साथ वालों का लड़का आते जाते उजाला को छेड़ता है और छत पे भी इशारेबाजी करता है। अम्मा ने बताया था मुझे, जानता हूं उसे मैं। रिजवान नाम है, एक नंबर का आवारा और बदमाश लड़का है। इसी बात का डर था मुझे कि कोई ऐसा वैसा लफंगा लड़का ना हो। आप उसके घर वालों से बात करें ना, ऐसा ना हो कलकला को कोई ऊंच नीच हो जाए। किससे बात करूं, घर में कोई है ही नहीं। एक बूढ़ी माँ है, बाप तो कब का गुजर चुका, कोई भाई भी नहीं जिससे बात की जा सके। एक शादीशुदा बहन है, ससुराल से लड़ झगड़ के कभी आ जाती है कभी वापस चली जाती है। तुम उजाला को समझाओ कि छत पे ना जाए और बाहर जाते हुए जरा मोहतात रहे। अच्छा, मैंने तुमसे प्लॉट बेचने का कहा था। कौन सा प्लॉट? अरे वही प्लॉट जो तुम्हारे माँ बाप तुम दोनों बहनों के लिए छोड़ के गए हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप बख्तियार, वो हम दोनों बहनों का नहीं, सिर्फ उजाला का है। और वो प्लॉट हमारे पास उजाला की अमानत है, अगर हम वो बेच देंगे तो उसकी शादी कैसे करेंगे? हो जाएगी उसकी शादी, मैं करवाऊंगा शादी ब्याह, जहेज के जितने खर्चे होंगे मैं उठाऊंगा, मेरी बहन है वो। बस एक बार हमारा कारोबार चल निकले, फिर तुम देखना कैसे हमारे दिन फिरते। ये आपको बैठे बैठे कारोबार की क्या सूझी? अच्छी भली नौकरी तो कर रहे हैं आप, और फिर आपके पास पैसा कहाँ से आएगा और वक्त कब मिलेगा आपको? सरकारी नौकरी है, सुबह से दोपहर तक वहाँ होता हूँ, उसके बाद फारिग होता हूँ। सोच रहा हूँ मोहल्ले में कोई छोटी मोटी करियाने की दुकान खोल लूँ। मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए। अगर तुम प्लॉट बेच दो और मेरे लिए कुछ रकम का बंदोबस्त कर दो तो मैं सारी जिंदगी एहसान बन रहूंगा तुम्हारा। मैं वादा तो नहीं कर रही आपसे, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, नानी से तो मुझे मशवरा करना होगा, उनकी इजाजत के बगैर मैं प्लॉट बेचने का सोच भी नहीं सकती। नानी से मशवरा, फिर तो बिक गया प्लॉट।